नहीं नहीं अच्छी तो करेगी ही, ये तो मालूम था, लेकिन इतना करेगी नॉन महाराष्ट्रियन लोग जो देख रहे जिस तरह से, ये हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो जाके देखेंगे। अब तो 60% जो थिएटर्स है, मतलब 60% ऑडियंस है वो नॉन महाराष्ट्रियन है। मैं अपने बिल्डिंग में परसों गांव से मैं आया तो मैं चावल लेके आया, तरकारी लेके आया, वो सब्जियां, वो थैले लेके मैं जा रहा था तो सभी मेरे सोसाइटी वाले आके, जो 99% नॉन महाराष्ट्रियन है, आके सभी जो सराहना करने लगे। तो मैंने कहा क्या भाई, मैंने हम सब ने देखी, तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि नॉन महाराष्ट्रियन लोग बहुत देख रहे हैं और उनको बड़ी पसंद आ रही है। नहीं, क्या है, जिस तरह की कहानी है, थिएटर ये मराठी का कल्चर है जो हिंदी में है, अभी तक तो नहीं हुआ, जैसे बंगला में और महाराष्ट्र में वो है। थिएटर पे मेरी आमदनी हो सकती है, मेरा घर चल सकता है, हिंदी में थिएटर करके वो होगा नहीं। एक संस्कृति है मराठी की, थिएटर मतलब प्ले देखने जाना, ये तो मतलब बड़ा त्यौहार के जैसे होता है, नहीं आज हम प्ले देखने जा रहे हैं, हिंदी में वो है नहीं। इसकी वजह से जो कैरेक्टर है वो बहुत ही मराठी मराठी है, और जिस तरह की लैंग्वेज है तात्या साहब शिरवाड़कर ने लिखी हुई है, उस तरह का लिख नहीं सकते, ऐसी बात नहीं। गुलजार साहब को अगर कहेंगे और गुलजार साहब अगर लिखने को तैयार है तो मैं हिंदी में करने को तैयार हूँ, दोबारा करूँगा मैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उस तरह से लिखना, उस तरह का वजन होना चाहिए उसमें, तो मैं गुलजार साहब हैं लिख सकते हैं। सर मराठी ये फिल्म करने के बाद हम ये समझेंगे सर आपका ज़्यादातर रुझान मराठी फिल्मों में रहेगा? कौन मैं, मतलब ऐसा समझे? नहीं, जिस तरह की मुझे क्या फ़र्क क्या पड़ता है, एक एज एन आर्टिस्ट मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे एक अच्छा काम करने को मिले, ये वो हिंदी में हो, कन्नड़ा में हो, मराठी में हो, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर्टिस्ट होने के नाते मुझे जो सुकून मिलता है वो सुकून मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। रही बात पैसे की, पैसे तो मिलते ही रहते हैं और जितने चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा ऊपर वाले ने पहले ही दे के रखे हैं, तब पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। अरे छोड़ो यार, कोई अपनी अपनी पहचान तुम जिंदा हो तब करो, बनाओ, मरने के बाद अपना कोई नाम निकालेगा, कुछ अपने नाम पे ये होगा, वो मत सोचो। जब तक जिंदा हो तब तक तुमको जो करना है वो करो और भूल जाओ उसे, वही बेहतर है। मेरे पीछे अगर मेरा चबूतरे पे मुझे खड़ा करके पुतला बनाएं, क्या फ़र्क पड़ता है, कवे ही बैठेंगे ना सर पे, वो बीट करते रहेंगे। जिंदगी जब जीते हो तब जाके कुछ करना है वो करो, पहले करो, नहीं तो वो क्या है, सोचते रहते हैं और वो जो करना है वो रह जाता है, ऐसे मत करो। इतनी सी जिंदगी है, नहीं मैं कल जाके मेरी उम्र इतनी होगी तो मैं करूँगा, नहीं तुझे क्या मालूम है उतनी उम्र तक तू पहुँचेगा कि नहीं। तो जो कुछ करना है समाज के लिए हमारा दायित्व है, वो हमको करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। मेरे पास इतने ढेर सारे पैसे हैं, मेरी ज़रूरत कितनी है, और उस ज़रूरत से ज़्यादा पैसे है तो मैं कबर्ड में रख के क्या करूँगा, वो तो कागज़ के टुकड़े हैं। अगर इस वक्त मैं ना दूँ तो क्या करेंगे। अब हमारे इर्द गिर्द इतना कुछ हो घट रहा है किसानों के बारे में, तो मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं आज मेरा एक निवाला उनको दे दूँ, हालांकि मेरे लिए निवाला उगाने वाले वही है, तो मुझे लगता है कि वो हो जाता है। हर एक का एक अपना एक वक्त होता है, मुझे आज जाके मुझे ऐसे लगा नहीं, मुझे मेरे बची हुई ज़िंदगी है मैं उनके लिए गुजार दूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं इस फिल्म में काम ना करूँ, मैं अभी यहीं रुक जाऊँ तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। रही बात मेरे रोटी की, तो वो रोटी तो है दो वक्त की, भगवान के पास तो मैंने शुरू में इतना ही मांगा था, दो वक्त की रोटी के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े, बस बाकी कुछ नहीं, बाकी की ज़िंदगी बहुत आसान है। मालूम नहीं, एक भी नहीं है, कुछ नहीं प्रोजेक्ट, जो कुछ पुरानी फिल्में हैं अटकी हुई उसमें से कोई रिलीज़ होगी तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने नया कुछ लिया ही नहीं, मेरे पास है नहीं कुछ करने के लिए, मेरे इमोशंस ख़त्म हो गए इस फिल्म में। अब जाके थोड़ा एक आराम करूँगा, जाऊँगा गाँव, देखूँगा इन किसानों को, मिलूँगा, भटक भटक के फिर बाद में मिलेगा कुछ तो। सर
करना चाहेंगे फिर? अब जाके वो एक वही जैसी एक टिपिकल कमर्शियल फिल्म में होते करने का दिल नहीं करता। अगर मेरी फिल्म कुछ कहती नहीं है तो मज़ा नहीं है, तो कुछ तो होना चाहिए। बाकी के है एंटरटेनमेंट के लिए जो करनी है तो बाकी के लोग कर रहे हैं ना। अब मेरा मिजाज वैसे नहीं है, मैंने वेलकम की है लेकिन दोबारा मैं अब नहीं करना चाहूँगा, वैसे थक गया, उसमें कुछ है नहीं, मिलता नहीं है। नहीं, किस तरह की कहानी है, किस तरह का क्या है, माहौल बदलते रहता है। एक ही रोल तुम दोबारा नहीं, कल मैंने की हुई जो चीज़ है वो नई थी, वो आज पुरानी हो गई, तो आज मैं करूँगा तो वो पुरानी है। किस तरह से आप बयां करना चाहते हो उस पर निर्भर करता है वो। थैंक यू बेटा।